क्या आप मेरे पापा से शादी करोगे? प्रीत देखिए उसे कितना फनी है ये। हाँ और कितना क्यूट भी। तुम ये 50 रुपए की सस्ते से रिंग लेकर आए हो मुझे प्रपोज करने के लिए? सच में? हाँ आप प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारे डैड है कहाँ पे और वो क्या काम करते हैं? मेरे पापा बड़ा और अच्छा काम करते हैं। ओ तो तुम एक काम करो जाके अपने डैडी को बुला के लाओ, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगी, है ना? जाओ। ठीक है मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे पर हिमांशी तूने ये क्यों बोला कि अपने डैडी को बुला के लाओ? तेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, तो फिर क्या करेगी तू बात करके? प्रीत हो सकता है इसके डैडी मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अमीर हो, तो फिर उसके साथ टाइम पास करने में क्या ही हर्ज है। अरे बाबा चलो ना। शिवा कहाँ ले जा रहा है? अरे पापा बस चलो ना। ओ तो ये है तुम्हारे डैडी? हाँ। और ये है इनका बड़ा और अच्छा काम? पापा पापा ये मम्मी सही रहेंगी ना, इन्हें हम टमारेंट रेस्टोरेंट में खाने पर ले जाएंगे। अरे शिवा क्या कर रहा है, इधर आ। वो जानती भी नहीं है हमें, वो साथ में क्यों जाएंगे हमारे खाने पर? वो भी टमारेंट रेस्टोरेंट, वो तो यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ना, राइट? जी हाँ ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है चलने पर, मैं चल लूँगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो बढ़िया है, हम लोग कल मिलते हैं फिर खाने पर। वैसे भी जो उसने बर्ताव किया आपके साथ वो सही नहीं था, तो मेरी माफ़ी हो जाएगी आपके लिए, आपको खाने के लिए जाके। ठीक है फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। जी कल मिलते हैं, चल शिवा। यार हिमांशी तू ये तो देख एक बार कि वो काम क्या करता है, और तूने बोल दिया कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में लेके चलो, तुझे पता भी है वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं? फिर तुझे टाइम पास करने के लिए यही मिला? अरे मैंने थोड़ी ना बोला है लेके जाने के लिए, सामने से खुद ऑफर किया है उसने। और वैसे भी एक बार लंच में लेके जाने में कौन सा गरीब हो जाएगा, वो गरीब तो वो ऑलरेडी है, तो इसमें मेरा कौन सा लॉस? एक बार डेट पे जाऊंगी उसके बाद टाटा बाय बाय कर दूंगी। तो चल। हाय। हाय आ गए तुम? सॉरी हाँ मैं लेट हो गया। और तुम इसे भी साथ ले आए? हाँ अब इसे मैं अकेला कहाँ ही छोड़ता ना, तो साथ में ले आया। अच्छा बैठो। पापा मैं यही बाहर हूँ खेल रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे मुझे लगा ही था कि आप यहाँ आ जाएंगे खाने पर मेरे साथ। अब जब मुझसे कोई इतना स्वीटली पूछेगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? बाय द वे तुम थोड़े और अच्छे कपड़े पहन के आते ना तो अच्छा होता। एक्सक्यूज मी आपकी कीज नीचे गिर गई है। थैंक यू। वो जो बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है वो आपकी है क्या? हाँ जी मेरी है। नाइस कार। वैसे आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है, आप कहीं ये पास वाली सोसाइटी में तो नहीं रहते हो? जी हाँ। बताओ इतनी सुंदर लड़की मेरी सोसाइटी में रहती है, वो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे इफ यू डोंट माइंड अगर आप फ्री हो क्या हम साथ में बैठ के लंच कर सकते हैं अभी, वरना कभी और? नहीं नहीं भैया आप ये क्या बोल रहे हैं, ये साथ में आइए मेरे खाना खाने के लिए। तुमसे पूछा है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं ना? लेट मी आंसर। हाँ बिल्कुल मैं अभी फ्री हूँ, हम अभी साथ में लंच कर सकते हैं, पर एक शर्त पे, उसके बाद तुम्हें मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना होगा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल। हिमांशी तुम ये क्या बोल रही हो इनसे, ये तो अनजान है ना, और मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ खाना खिलाने के लिए, तो आप इनसे क्यों ऐसा बोल रही हो? हाँ तो मुझे खाना खिलाने वाला मिल गया है ना, विद बेटर पर्सनैलिटी एंड विद बेटर क्लास, तो अब तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो, जा सकते हो तुम। आप खड़े क्यों हैं? बैठो ना हम बातें करते हैं। श्योर। अरे उठ जाओ भाई, सुना नहीं लड़की ने क्या कहा, उठो।
वैसे खाना बहुत टेस्टी है ना यहाँ का। हाँ। शायद मेरा वॉलेट ना गाड़ी में छूट गया, तुम दो मिनट रुको मैं लेके आता हूँ। ओके। वो जो मेरे साथ आए थे ना, ये बिल वो पे करेंगे। ठीक है। वो वापस आएगा भी या नहीं? पापा, हमने खाना क्यों नहीं खाया और हम बाहर भी आ गए? क्या बताऊं बेटा, अभी घर चल, तब करेंगे बात, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? ये तो अंदर थे ना, फिर ये आपके साथ यहाँ पे? एक्चुअली ये सब मेरा ही प्लान था, ये मेरा दोस्त है और ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था इसे, अंदर जाए उसके साथ फ्लर्ट करे ताकि इन द एंड सारा बिल ना उसे ही भरना पड़े। अच्छा, तो ये आपका प्लान था? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सोचा हमारे बारे में इतना। अरे इसमें शुक्रिया बोलने वाली कैसी बात है, मैं मानती हूँ कि वो मेरी दोस्त है बट वो जो कर रही है ना वो गलत है, इसलिए मैंने ये सब करा क्योंकि अब मैं गलत का साथ तो नहीं दे सकती ना। सच में आप बहुत ही अच्छी। देखी ना मेरी एक्टिंग, पता ही नहीं कर पाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छी थी।